गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सचिदा। और अब हम इस समय खड़े हैं प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर पे और बैक साइड हमारे देख रहे होंगे कि मरीन ड्राइव दिख रहा है और ये सी व्यू कितना ब्यूटीफुल है। और आज है संडे स्ट्रीट और ये सचिदा अब निकल पड़ी हैं साइकिलिंग करते हुए और हमें भी चलना चाहिए। सचिदा काफ़ी आगे निकल गई हैं और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस फ्लाईओवर से। सामने हाई राइज बिल्डिंग्स और लेफ्ट साइड में अरेबियन सी और ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन रहा है और हम उतरते हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं इससे बेटर शुरुआत कुछ नहीं हो सकती है दिन की। और सचिदा साइकिलिंग पे चल रही हैं और हम भी चल रहे हैं उनके पीछे और आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग सुबह सुबह रनिंग और साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखकर लगता है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर हैं और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी लाइफ आजकल बिजी है तो उसमें से ये सुबह का ही थोड़ा सा टाइम होता है जो हमें अपनी हेल्थ के लिए निकालना है और कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और अब हम सचिदा के पास पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कितना स्पीड से सचिदा चले जाए। और अब हम आ गए हैं गिरगांव चौपाटी। ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं गिरगांव चौपाटी है और यहाँ पर भी सुबह से ही लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, तो ये मुंबई का एक अच्छी चीज़ है। और आप जैसा देख ही रहे होंगे कितने सारे लोग रनिंग के लिए निकले हुए हैं और हम भी इसी को फॉलो करते हुए साइकिलिंग कर रहे हैं। और हमारा आज प्रोग्राम है कि हम मालाबार हिल तक जाएंगे साइकिलिंग करते हुए, लेकिन देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अपहिल है तो हम क्या वहाँ पर चला पाएंगे साइकिल या नहीं, वो अभी आपको आगे देखने से पता चलेगा। और ये आजकल एक चीज़ अच्छी है कि बहुत सारे लोग फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए सुबह सुबह बाहर निकलते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड में आपको सी दिख रहा होगा एंड सुबह साइकिलिंग करते हुए अच्छा लगता है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है रोड पे। सचिदा कैसा लग रहा है? अरे बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम आ गए गिरगांव चौपाटी और इससे आगे तक देखते हैं। लंबी राइडिंग करने का प्लान है आज संडे। और ये देखिए कैसे पिजन फ्लाइंग कर रहे हैं और यहाँ पर लोग आते हैं उनको दाना फीड कराते हैं और ये जब ऐसे उड़ते हैं इस अरेबियन सी के ऊपर तो वो व्यू बहुत ही अमेजिंग लगता है। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे गिरगांव व्यूइंग डेक। इस डेक से आप सनराइज एंड सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और अरेबियन सी का जो है व्यू उसको एंजॉय कर सकते हैं। नरीमन पॉइंट भी दिखता है यहाँ से। और अब हम मालाबार हिल की तरफ चल दिए हैं। ये सचिदा देख रहे हैं आप आगे, वो आगे आगे जा रही हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अपहिल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि कहाँ तक हम साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड में अरेबियन सी के साथ साथ साइकिलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। पता नहीं आपको कैमरे में इतना अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, बट रियल में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। इसके साथ साथ साइकिलिंग करना तो बहुत अच्छा लग रहा है और शायद हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि चढ़ाई जो है धीरे धीरे स्टीप हो रही है। तो फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल होगा जाएंगे, नहीं तो फिर हम वहीं से ही यू टर्न लेके अपना मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट की तरफ वापस चल देंगे। इतनी दूर आए हैं ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है और आज संडे है, हमारे पास टाइम था इसीलिए हम यहाँ पर फील है और इतनी दूर तक आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और संडे है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, इस वजह से अभी साइकिलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम लोग अब मालाबार हिल से वापस आ रहे हैं। पीछे आपको सचिदा दिखाई दे रही होगी और सूरज हमारे बिल्कुल सामने है तो हम लोग आ चुके हैं मालाबार हिल से वापस जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव होते हुए जाएंगे नरीमन पॉइंट। और इससे पहले हम मालाबार हिल घूम के आए
जो पूरी राइड कर नहीं पाए क्योंकि बहुत हाइट है और साइकिल से चढ़ाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझे तो बहुत फिजिकल मेहनत करनी पड़ रही थी, पैर एकदम दर्द करने लगे। और हमने अपना प्लान ड्रॉप करके वापस जा रहे हैं मरीन ड्राइव, और मज़ा आ रहा है इस राइड में क्योंकि लंबी राइड होती है। और गिरगांव एरिया काफ़ी अच्छा है बट काफ़ी रश है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। आज संडे है इसलिए थोड़ा सा कम है, पर फिर भी क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, 8 बज चुका है लगभग, इसी वजह से ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है। वैसे हम यहाँ से 6:30 तक निकल जाते हैं बट आज संडे को फंडे मना रहे हैं, काफ़ी डिले कर रखा है। आ रहा है इस राइड पे, अभी आपको राइड करके आए हम लोग, अब मरीन ड्राइव या नरीमन पॉइंट पे पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए स्पर्श और स्पर्श के डैडी बैडमिंटन में इतने मशगूल हैं कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। और स्पर्श डैडी को बीट करना है, गुड 1 पॉइंट, गुड जॉब, गुड जॉब। या और ये देखिए माँ बेटे दोनों मरीन ड्राइव पर बैडमिंटन एंजॉय कर रहे हैं, और हवा थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है इसलिए शटल उतनी कंट्रोल नहीं हो रही है। जोश भरा गीत है शम्मी कपूर का, इससे भी जोश भरा है चाहे कोई मुझे जंगली कहे। हमारे होनहार कलाकार विजय जी, संडे के फन भरे ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप।